अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिरा इरफान है और मैं उर्दू की टीचर हूँ और 6, 7, 8, 9, 10 को मैंने पढ़ाया है। अब चूँकि हम एक लॉकडाउन में हैं और घरों में हैं, बच्चों के लिए स्कूल जाना जो है वो काफ़ी मुश्किल है, अभी उसका फ़ैसला नहीं हो पाया है। लेकिन मैं समझती हूँ कि बच्चों के लिए वक्त का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है और उनको मसरूफ़ रखना ज़रूरी है, उनकी तालीम का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं उर्दू के हवाले से उनके साथ मेरा ताल्लुक़ रहे और वो उर्दू पढ़ें और मुझे अपनी राय भी दें कि उन्हें क्या चीज़ मुश्किल लगती है, क्या पढ़ना है। वालदैन और सब जो हैं इस चीज़ के बारे में मुझे बताएं ताकि मैं आपके साथ अपने इस प्रोग्राम को जारी सारी रख सकूं। आज मैं आपको मुहावरों के बारे में बताऊंगी। मुहावरे हम रोज़मर्रा के इस्तेमाल में मुहावरों का जो है वो इस्तेमाल करते हैं और वो एक बहुत गहरी बात होती है जो कि एक जुमले में और एक उसमें लोगों के ज़द आम लोगों के ज़बान पे होती है, जिसकी वजह से लोग जो है एक जुमले के अंदर पूरी सिचुएशन बता देते हैं और वो आपको आपके लिए आसान हो जाता है बात को समझाना। जैसे एक अनार 100 बीमार, आपने सुना होगा एक अनार 100 बीमार, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी चीज़ हो लेकिन उसके उम्मीदवार ज़्यादा हो। तो अगर आप किसी को ये बात समझाना चाहेंगे तो आप कहेंगे ना भाई एक अनार है और 100 बीमार है, तो इसका मकसद यही होता है कि चीज़ कम है और लोग ज़्यादा हैं। तो हम मुहावरों के पर काम करते रहेंगे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, तो वो जो है कि ख़ुद कसूरवार होना लेकिन दूसरों पे नाराज़ होना, ठीक है ना? तो इसको कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कोतवाल कहते हैं पुलिस वाले को, ठीक है? उससे लोगों का अक्सर वास्ता पड़ता रहता है पुलिस से हमारा। एक मुहावरा है, अब पछताए क्या होगा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। इसका मतलब ये होता है कि मौका गुज़र जाए तो फिर वापस नहीं आ सकता, वक्त गुज़र जाए तो अब जो हो गया उस पे पीछे से रोने और धोने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मुहावरे जो हैं वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और हमें जो है उसमें काफ़ी जो है हम एंजॉय भी करते हैं उस चीज़ को, गुफ्तगू में एक खूबसूरती भी पैदा हो जाती है। और जैसे बगल में छुरी मुंह में राम राम, मतलब ये कि आप ऐसे इंसान अच्छा ना हो लेकिन ये कि जाहिर करने के लिए जो है वो नेक बनने की कोशिश करें। और टेढ़ी खीर होना ये एक मुहावरा है, इसका मतलब ये होता है कोई बहुत काम मुश्किल काम उसको कहेंगे ये काम जो है बड़ी टेढ़ी खीर है, ये नहीं हो सकेगा। और जैसा देश वैसा भेस, और जैसा देश वैसा भेस का मतलब ये है कि जहाँ पे आप जिस किसी मुल्क में जाते हैं तो आप उन्हीं के जैसे कपड़े पहनने लगते हैं, उन्हीं की तरह के आप जो है वो ज़बान बोलना शुरू कर देते हैं और अपने आप को उस तरह ढाल लेते हैं। इसको कहते हैं जैसा देश वैसा भेस। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि जो गलत काम आप अगर करेंगे तो आपको उसका वैसा ही बदला मिलेगा, सही है ना? इस तरह करके मैं आपको बहुत सारे मुहावरे पढ़ाऊँगी और इसके अलावा मैं आपको जो है मुज़क्कर मौनस पढ़ाऊँगी और बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे यकीन है कि आप बहुत इंजॉय करोगे, जिस तरह क्लास में अपने टीचर्स के साथ इंजॉय करते हो तो आप इंशाल्लाह इस क्लास को भी इंजॉय करोगे। हम मज़ामीन को डिस्कशन करेंगे, उसको जो आम मज़ामीन जो आप लिखते हैं आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है उसके जुमले ज़खीरा अल्फाज वगैरह के सिलसिले में हम बातचीत करेंगे और
मुझे यकीन है कि हम अपना ये काम बहुत खुशी के साथ जारी रखेंगे और इस मौके को फ़ायदा उठाएंगे। इस वबा से अल्लाह ताला हमको महफूज रखे ताकि हम अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। शुक्रिया।